नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल शर्मा जी। आज मैं बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप अपने चैनल का कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी को अपने चैनल का यूआरएल शेयर करते हैं तो आपको जो है कुछ अटपटा सा आपको जो है लिंक देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों आप कस्टम यूआरएल जो है क्रिएट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको जो है लिंक काफ़ी अच्छा काफ़ी छोटा सा यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को शेयर करने में भी मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है आपको youtube.com ओपन कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने youtube.com ओपन कर लिया है। राइट साइड में दोस्तों आप देखेंगे तो आपको जो है आपके चैनल का प्रोफाइल पिक्चर नज़र आता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब सिंपली आपको योर चैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप योर चैनल पे क्लिक करते हैं, आपको जो है आपके चैनल पे रिडायरेक्ट किया जाता है, जिसमें कि आप ऊपर की यूआरएल पे देखेंगे जहाँ पर आप वेबसाइट टाइप करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है आपके चैनल का यहाँ पर जो है यूआरएल दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ काफ़ी अटपटा से आपको दिख रहा होगा, इसी की बात मैं कर रहा था दोस्तों कि इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल आप जो है नेम दे सकते हैं, जैसे कि आपके चैनल का नाम ही दे सकते हैं। अगर आप किसी को शेयर करेंगे तो उसे कुछ समझ भी आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली फिर से प्रोफाइल पिक्चर पे जाना है, यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है यूट्यूब स्टूडियो आपका जो है ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है कस्टमाइजेशन का। मोनिटाइजेशन के नीचे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको जो है कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपके चैनल का कस्टमाइजेशन यहाँ पे किया जा सकता है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन चीज़ें आपको मिली हुई हैं, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। आपको सिंपली बेसिक इन्फो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके जो है चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नीचे आप देखेंगे तो आपके चैनल का यूआरएल, जो कि आप कुछ देर पहले आपके चैनल पे देख रहे थे चैनल का यूआरएल, वो आपको जो है ऊपर में दिख जाता है। और दोस्तों नीचे में आप देखेंगे तो सेट अ कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल का एक ऑप्शन भी आपको मिलता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये तभी विजिबल होगा जब आपके चैनल के लगभग 100 सब्सक्राइबर होंगे या फिर दोस्तों आपके चैनल पे जो है अच्छे खासे वीडियो अपलोड हुए होंगे, उसके बाद ही दोस्तों ये जो है लिंक आपके सामने विजिबल होता है, सेट अ कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल। तो सिंपली यहाँ पे हमारा विजिबल है क्योंकि हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली जो है कोई भी यहाँ पे आपको जो है अपने यूआरएल के लिए सेलेक्ट करना है नाम, जैसे कि यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा है ऊपर में हाउ टू टेक्निकल क्रिपी रोस्टर, जो कि मैंने बहुत पहले जो है यहाँ पे सेट किया हुआ था, लेकिन दोस्तों मुझे जो है अब चेंज करना है, मुझे जो है टेक्निकल शर्मा जी के नाम से मुझे जो है मेरे चैनल का कस्टम यूआरएल चाहिए, ताकि जब मैं किसी को शेयर करूँ तो लंबा चौड़ा लेंदी और अटपटा सा जो है यूआरएल ना जाए, बल्कि एक मीनिंगफुल, जैसे कि टेक्निकल शर्मा जी मेरे चैनल का नाम है तो वैसा ही जो है सिंपल सा यूआरएल आपको भेजा जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो है यूआरएल के, अगर आपका ये सेम टेक्निकल शर्मा जी अगर पब्लिश नहीं हो रहा है तो यानी कि इस नाम से पहले भी यूआरएल क्रिएट हो चुका है, तो आपको जो है कुछ डिजिट यहाँ पे आगे डाल दीजिएगा, जिससे कि आपका जो है यूआरएल जो है यहाँ पे एक यूनिक यूआरएल आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड में आपको ग्रीन कलर का साइन दिखा दिया जाएगा कि जी हाँ, ये जो है यूआरएल आपके लिए एक्टिवेट कर दिया जाएगा क्योंकि ये जो है इसमें अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप छोटे से छोटा यहाँ पे अपना यूआरएल बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आप ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे अपने चैनल का जो यूआरएल है सेट कर लिया है, टेक्निकल शर्मा जी 143। और यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे तो ग्रीन कलर का जो है यहाँ पे शाइन भी आपको मिल जाता है। सिंपली आपको जो है ऊपर पब्लिश का एक ऑप्शन मिलता है, पब्लिश पर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपने जो भी चेंजेस अभी किए हैं अपने कस्टम यूआरएल के लिए वो जो है सेट हो जाएगा, वो जो है यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ मिला हुआ है कि आप जो है अपने कस्टम यूआरएल को जो है एक बार चेंज कर देते हैं तो उसको दोबारा आप जो है चेंज नहीं कर पाएंगे या फिर दूसरे चैनल पर ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएंगे। आपको जो है फाइनल यहाँ पर कस्टम यूआरएल दिखाया जाता है बोल्ड में, ब्लैक कलर में, तो यहाँ पर फाइनली चेक करके कन्फर्म कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि चेंजेस जो है पब्लिश्ड हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कुछ समय में ही, आप जब भी अपनी यूआरएल को शेयर करेंगे किसी के साथ भी तो यहाँ पे आपको जो है ऊपर वाला वैसा लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि आपका जो है लिंक काफ़ी बढ़िया, आपका एक मीनिंगफुल आपके चैनल के नाम से भी लिंक आपको जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सिंपल सी बातें कस्टम यूआरएल के लिए। आप अपना कस्टम यूआरएल खुद बना सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपके 100 सब्सक्राइबर कम से कम होने चाहिए, कुछ वीडियोज़ होने चाहिए
उसके बाद दोस्तों डेफिनेटली जो है आप यहाँ पे अपने चैनल का कस्टम यूआरएल सेट कर सकेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको जो है इसमें कोई भी इशू कोई भी परेशानी आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी ही कुछ जानकारियाँ और कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अनबॉक्सिंग के वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।